भारत को आजाद हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। इस उत्सव को भारत सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मना रही है। इस बार के खास स्वतंत्रता दिवस के जश्न को और धूमधाम से मनाने के लिए भारत सरकार ने घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। सरकार की देश भर में हर घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना है। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि सभी लोग सोशल मीडिया अकाउंट में तिरंगे की डीपी लगाकर इस अभियान को और सशक्त बनाएं। आपको बता दें कि सरकार ने 13 से 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा अभियान चलाने का ऐलान किया है। कई जगहों पर इस दौरान कार्यक्रम व प्रतियोगिताएं भी होगी। बहुत से स्कूल व कॉलेजों में स्वतंत्रता आंदोलन, तिरंगा, संविधान से जुड़ी क्विज भी आयोजित हो रही है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और जन भागीदारी की भावना से आजादी का अमृत महोत्सव मनाना है। माना जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। इसमें लाल, पीले और हरे रंग की 3 पट्टियां थी, जिनके बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। भारत में स्वशासन की स्थापना के उद्देश्य से चलाए जाने वाले होम रूल आंदोलन के प्रमुख भाग के रूप में वर्ष 1917 में एक नया झंडा अपनाया गया। इसमें 5 लाल और 5 हरी आड़ी धारियां और सप्तऋषि के आकार में 7 तारे थे। अप्रैल 1921 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक भारतीय ध्वज की आवश्यकता महसूस की। गांधी ने पिंगली वेंकैया को चरखे के साथ एक ध्वज डिजाइन करने को कहा। इस ध्वज में लाल और हरे रंग के साथ सफेद रंग को जोड़ा गया। इस ध्वज के केंद्र में चरखा बनाया गया। आपको बता दें कि कराची में वर्ष 1931 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पिंगली वेंकैया द्वारा 3 रंगों का ध्वज तैयार किया गया। इस ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। इसमें लाल रंग बलिदान का, श्वेत रंग पवित्रता का और हरा रंग आशा का प्रतीक माना गया। देश की प्रगति का प्रतीक चरखा इसके केंद्र में जोड़ा गया। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान स्वतंत्र रूप में स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसके शीर्ष पर केसरिया रंग है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक माना गया। इसके मध्य में सफेद रंग है, जो शांति और सत्य का प्रतीक है। सबसे नीचे हरा रंग है, जो भूमि की उर्वरता, विकास और शुभता प्रदर्शित करता है। ध्वज के वर्तमान रूप के केंद्र में 24 तिलियां वाला चक्र है। इस चक्र का उद्देश्य यह दिखाना है कि गति में ही जीवन है, अर्थात जीवन हमारा गतिमान है। क्या रात में फहराया जा सकता है तिरंगा? जी हाँ, नए प्रावधान के तहत हम आपको बता रहे हैं, अब देश के नागरिकों द्वारा झंडा दिन के साथ रात में भी फहराया जा सकता है। सूर्यास्त के समय झंडा उतारना अनिवार्य नहीं है। पहले मशीन से बने और पॉलिस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की अनुमति नहीं थी, लेकिन दिसंबर 2021 में इसकी अनुमति प्रदान की गई। अब हाथ या मशीन से बना हुआ कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशमी खादी से बना तिरंगा भी आप अपने घरों पर फहरा सकते हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 भारतीय ध्वज संहिता के नाम पे एक कानून में तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। आपको बता दें कि इसका उल्लंघन करने वाले को जेल भी हो सकती है। एक नियम ये भी है कि झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। तिरंगा कभी भी फटा या मैला कुचला नहीं फहराया जाना चाहिए। आपको बताते कि झंडे के किसी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर 3 साल तक की सजा और जेल दोनों हो सकते हैं। झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैर कानूनी है। साल 2002 से पहले राष्ट्रीय ध्वज को आम लोग सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही फहरा सकते थे, लेकिन साल 2002 में इंडियन फ्लैग कोड में परिवर्तन किया गया, जिसके तहत कोई भी नागरिक अब किसी भी दिन झंडे को फहरा सकता है।